हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं अभी सो के उठा हूँ। थोड़ी देर पहले बस चाय बनाई है, दाल चढ़ा दी है और आटा मार दिया है, क्योंकि बस अभी सो के उठा, फ्रेश हुआ और फटाफट ये काम निपटाया, क्योंकि कल रात में पूरी रात मूवी देखते रहे, फिर देर रात को सोए भाई करीब 3 बजे। और सुबह इतना अच्छा मौसम था कि बारिश हो रही थी और धूप निकली नहीं, तो बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं चला। अचानक फ़ोन आया जब घर से, तब मैंने उठा के देखा तो बज रहे थे करीब 1:30। तो हमने कहा अरे 1:30 बजे के अब तो उठना ही चाहिए। तो भैया अभी भी सो रहे हैं और मैं अभी उठ चुका हूँ। उठ के मैंने तो फटाफट काम किया, वरना वो क्योंकि शाम को भी सही से खाना हुआ नहीं था, थोड़ी सी तैड़ी रखी थी उसी में काम चला लिया था, तो खाना तो बनाना ही था उठ के जल्दी से, वरना फिर मामला गड़बड़ हो जाते। तो फिलहाल ये दाल मेरी इधर पक रही है और चाय भी तैयार है, आटा भी मार दिया है मैंने, बर्तन भी साफ़ हैं, बर्तन भी धुल दिए हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने अपना काम पूरा कर लिया है और अब जाते हैं, भैया को जगाते हैं और उनको बुलाते हैं कि चाय पी लो, तब तक दाल तैयार हो जाएगी, फिर रोटी बना दी जाए, तो खाना बना के काम को। बारिश अभी भी हो रही है, धीमे धीमे बारिश हो रही है, मतलब बहुत तेज़ नहीं हो रही है, बट बारिश हाँ अभी भी हो रही है। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। भैया कुछ जगा दिया है फिलहाल, थोड़ा सा लाइटिंग का, लाइट आ रही है लेकिन गाड़ी बहुत बड़ी हो गई, बहुत अजीब सी हो गई है, क्योंकि खैर अभी कुछ दिन और, 1 महीना और, मतलब 1 महीना के वही करीब 15-20 दिन और बचे हैं, तो 15-20 दिन और जैसे तैसे निकालने हैं, क्योंकि तब तक उससे पहले दाढ़ी को काट। दाल को मैंने छोंक दिया है और दाल थोड़ी ज़्यादा बन गई, तब जा रहे हैं दाल की टेस्टिंग करवाने कि कैसी दाल बनी है, नमक कैसा है, क्या है, जो भी फिर बताना, ठीक है? चेक करो आप, देखना अच्छी लग रही है। आज प्याज डाल के छूंगी ना, आज बृहस्पति वाला है, आज नहीं तो बुधवार है, बुद्ध नहीं, बुद्ध को तो मेरा वो था, बुद्ध को तुम्हारा कैसे था, सोमवार मंगल छुट्टी होती। चलो कोई नहीं, अब हो गया सो हो गया, दिन नहीं याद रहते हैं, थोड़ा सा कमी होगा मेरे हिसाब से नमक, ठीक है, हल्का सा कम है। हाँ देखा आपने, नमक एकदम मुझे पता रहता है कि कैसे डालना है, क्योंकि मैंने इस बार अंदाज लगा दिया था, समझ गया था मैं नमक का लॉजिक कि कितना डालना है। बन गई हमारी, अब शाम के 6 बजे खाना खाने जा रहे हैं। दादा लग जा चलता रहा काम, तो खाना आज रोटी बनी नहीं, अभी बस रोटी बनाई है और रोटी बनाते हैं। मेरे भाई हमेशा की तरीके आपको फिर से फ़ोन में लगे हुए मिलेंगे, इनका एक ही काम है, ये फ़ोन ही चलाते हैं, तो फिलहाल रोटी बना लेते हैं, 1:25 को और सेंक लें, फिर देखें आगे का। तो फिलहाल गमलों को मैंने गोड़ दिया है, मतलब उनको मिट्टी को ऐसा कर दिया है, और ये हैं फूल के बीज है, बरसात हो रही है अच्छी, तो सोच रहे हैं कि डाल दें, जिससे कि ये अच्छे से बरसात में हो भी जाएंगे, इसके अच्छे फूल लगते हैं, मतलब अच्छे फूल इसके तैयार होते हैं, तो इसको बस ऐसे ही मिक्सअप कर देना है, और इसको ऐसे करके नीचे गाड़ देता हूँ, ये सही है, हो गया। और ये है वो जरा से 4 ही बीजा थे, वो भी मेरे गिर गए गुलाब के, मतलब गुलाब बोल रहा हूँ, क्या नाम उसका, क्या बोलते हैं, गेंदा के। तो और देख लेता हूँ इस पन्नी में है कि नहीं है, वैसे तो उसी के भरे पड़े हैं, फिर भी एक उम्मीद के तौर पे देख रहा हूँ, शायद पड़े हों कुछ, देखता हूँ इस चूरे में क्या है, फिलहाल जो भी है उसको भी ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दिया। और एक है ये पता नहीं किस चीज़ का है, तो जो भी है एक गमले में इसको भी डाल के इसका भी स्वाहा कर देते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि इनका इसमें क्या जमने वाला है। तो ये हो गया,
और अब एक गमला और बचा है जिसमें मैं डाल देता हूँ अपनी ये धनिया। तो इस धनिया के बीजों को मैं पैर की सहायता से, एक हाथ ने फ़ोन पकड़ा हुआ है तो खोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ये मैंने खोल ली पन्नी, खुल गया सिमसिम, ये खुल गई। और अब चलते हैं, ये दो गमले हैं जो कि खाली पड़े हैं बिल्कुल, और इसको मैं, ये रहा, इसको कर दिया अच्छे से फिटाई, और इसकी भी कर देता हूँ मैं ऐसे ऐसे खुदाई। और ये हो गई, ये काम निपटा, और इसमें अब जाएंगे इसके एक मुट्ठी बीज। तो ये हो गया। तो ये काम फिलहाल ख़त्म हो गया, और इतने सुंदर सुंदर पेड़ हैं तो अच्छा है। खाना खा लिया, खाना खा के मज़ा आ गई, पेट एकदम टप भर गया एकदम, मतलब लाजवाब दाल बनी थी। और अब जा रहे हैं देखने अपनी थॉर लवेंड। तो अपनी थॉर लवेंड ठंडर चल रही थी, और इसको पीछे से धूप आ रही है, पर्दा डाल दियो यार गुरु। तो लगाते हैं ईयरफोन, थोड़ा सा ईयरफोन का एक जैक ख़राब है इसमें, तो लिटिल बिट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको भी रिजॉल्व कर देंगे, और लेते हैं मज़ा अपनी मूवी का। काफ़ी ये अच्छी मूवी है, फिलहाल हमें तो अच्छी लगी, बाकी सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है।